I'm Shilpa Shetty Kundra, and this is The Art of Balance. बेस पोजीशन में या क्रॉस लेग पोज में बैठ जाइए, हाथ नीज पर रेस्ट करिए। धीरे से सर को नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ और फिर राइट साइड में रिलैक्स्ड, स्मूथ, रिदमिक सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करिए। नेक मसल्स की स्ट्रेच को फील करिए सारे सर्कल्स में। स्ट्रेन मत करिए। जब सर ऊपर मूव करता है तब सांस अंदर लें। जब सर नीचे मूव करता है तब सांस बाहर छोड़ें। क्रॉस लेग पोज में बैठिए, अपनी स्पाइन सीधी रखिए। अपने लेफ्ट हाथ की फिंगर्स को लेफ्ट शोल्डर पर रखिए और राइट हाथ की फिंगर्स को राइट शोल्डर पर रखिए। पूरी तरह से दोनों एल्बोस को एक साथ घुमाएं, बड़ी सर्कल्स बनाते हुए ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ऊपर जाते हुए अपने बाइसेप्स को कानों से टच करने की कोशिश करिए। पीछे जाते हुए अपनी शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करिए। नीचे जाते हुए अपने टॉर्सो के साइड्स को टच करिए और आगे जाते हुए अपने एल्बोस से अपने चेस्ट के आगे की साइड को टच करिए। सांसें नॉर्मली लीजिए। अपने एब्स को टाइट करिए और अपनी स्पाइन के बेस से उठकर सीधा पोस्चर मेंटेन करिए। क्रॉस लेग पोज में बैठिए, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, अपने हाथ सीधे अपने शरीर के सामने कंधे के लेवल पर रखें, अपनी मुट्ठी बंद कर लें। अपनी फिस्ट को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। अपने शोल्डर ब्लेड्स को अपने कानों से हमेशा दूर रखें। रिस्ट घुमाते वक्त अपनी एल्बोज या आर्म्स को ना घुमाएं। अपनी कोर मसल्स को टाइटन करके एक सीधा पोस्चर मेंटेन करें। अपने पैरों को साथ में रखें और सीधे आगे की ओर रखें। घुटनों को सीधे कर दें। अपने हाथों को अपने हिप्स के थोड़ा पीछे रखें। धीरे धीरे दोनों फीट को एक साथ सेम डायरेक्शन में घुमाएं, जैसे कि आप अपने टोस से सीलिंग पर सर्कल्स बना रहे हों। अपने पैरों को साथ में रखें और घुटनों को हिलने ना दें। अपनी हील्स को हमेशा जमीन पर रखें। नॉर्मली सांस लेते रहें। फ्लोर पर बैठ जाएं। नीज को मोड़कर पैरों के सोल्स एक साथ ले आएं। दोनों हाथों से फीट को पकड़ लें। अपने हिप्स को आगे शिफ्ट करें, अपनी हील्स को अपनी बॉडी के जितने पास हो सके लाने के लिए।
नीज को उठाएं और पीछे पुश करें। अपनी एल्बोस को लिवर की तरह इस्तेमाल करते हुए इनर थाइस को नीचे प्रेस करने के लिए। नीचे के स्ट्रोक पर अपनी नीज को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। 30 से 50 ऊपर नीचे के मूवमेंट्स करें। एक तितली की विंग्स की फ्लटरिंग की तरह इस मूवमेंट को विजुअलाइज करें। घुटनों को नीचे दबाने के दौरान कोई जोर ना लगाएं। अपने इनर थाई मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने फीट को शोल्डर विथ अपार्ट करके खड़े हो जाइए। कॉलोबोन वाइड होना चाहिए। अपना वजन दोनों पैर पर बराबर रखें। नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ खींचें और स्पाइन में सामान्य आंच रखें। अपनी उंगलियों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर लें और हाथ ऊपर उठाएं, एल्बोस को मोड़कर। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सांस अंदर लेते हुए एल्बोस सीधी करें और हाथ ऊपर तक ले जाएं। हील्स को भी एक साथ में ऊपर उठाएं। आगे की तरफ एक पॉइंट पे अपना ध्यान केंद्रित करें। सांस की गति को नॉर्मल रखें। फीट को शोल्डर विथ अपार्ट रख के खड़े हो जाइए। सांस लेकर हाथों को शोल्डर्स के लेवल पर साइड से ऊपर लाइए। सांस छोड़िए और अपने राइट तरफ मुड़िए। अपना लेफ्ट हाथ राइट शोल्डर पर लाइए और अपने राइट हाथ को पीछे से लोअर बैक के अराउंड रैप करिए। अपने राइट शोल्डर्स पर देखिए और हर सांस के साथ ट्विस्ट को बढ़ाते जाएं। सामान्य रूप से ब्रीथ करिए और इस पोज में एक्टिव रहिए। सांस लेते और छोड़ते रहें, एक्सिस में ट्विस्ट को गहरा करने के लिए। सांस लेकर शुरुआती पोजीशन में वापस आ जाएं। Yay, and there is good news. We are halfway there. Stay positive, determined, and committed to your health goal, and get the most out of this wonderful body. मैट के टॉप एज पे खड़े हो जाएं, दोनों पैर एक साथ में। अपने चेस्ट के सामने दोनों हाथों को जोड़ लें। सांस लेते हुए अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाएं और बैक को आर्च करें अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार और हस्त उत्तनासन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर से झुके आगे की तरफ। अपने बैक को फ्लैट रखें। अपने पाम्स को नीचे अपने पैर के पास फ्लोर पर ले जाएं, पद हस्तासन में आ जाएं। सांस लें, अपना राइट पैर पीछे ले जाएं, हिप को नीचे लाएं और शोल्डर्स को पीछे खींचें। अपने चेस्ट को ओपन करें और ऊपर की तरफ देखें, अश्व संचालन आसन में आ जाएं। सांस छोड़ें, अपना लेफ्ट पैर भी पीछे ले जाएं और उठित चतुरंग दंडासन में आ जाएं। ध्यान रखें कि आपके शोल्डर्स आपके रिस्ट के ऊपर हो और पूरा शरीर स्लांट पोजीशन में हो। सांस रोककर अष्टांग नमस्कारण आसन में आ जाएं। धीरे से अपने नीस, चेस्ट और चिन को फ्लोर पर रखें। हिप्स को फ्लोर से ऊपर रखें। अपने पाम्स को चेस्ट के पास और टॉर्सो के करीब रखें। सांस लेते हुए अपने चेस्ट को आगे और ऊपर की तरफ लेकर भुजंगासन में आ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएं। अपने कमर को उठाने के लिए अपने कोर को इस्तेमाल करें।
अपनी चिन को टक इन करें चेस्ट की तरफ और अपनी हील्स को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन में आ जाएं, अपना राइट पैर आगे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों के बीच रखें, हिप्स को नीचे लाएं और ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट पैर भी आगे ले जाएं और अपने पाम्स को फ्लोर पर टच करने की कोशिश करें, पदहस्तासन में आ जाएं। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, स्पाइन को लंबा करें, बैक को आर्च करें और हस्त उत्तनासन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए प्रणाम आसन में अपने हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ लें। अपने दूसरे पैर के साथ भी सेम स्टेप्स को दोहराएं और इससे एक साइकिल पूरा हो जाएगा। पीठ के बल लेट जाए, नीज को मोड़ ले और अपनी हील्स को अपने हिप्स पे टच करने की कोशिश करें और एंकल्स को पकड़ ले। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उंगलियों को इंटरलॉक करके हथेलियों को अपने बैक के नीचे जमीन पर रखें। सांस लें, धीरे से अपनी लोअर बैक, मिड बैक और अपर बैक को जमीन से जितना हो सके उतना उठाएं। अपनी स्पाइन को जितना ऊंचा हो सके उठाएं। नाभि को हल्का सा टाइटन रखें लोअर बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपकी ज्यादा रेंज नहीं है तो जोर ना लगाएं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से रेंज को बढ़ाएं। गर्दन पर कोई वजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने राइट पैर को छोड़ें, फिर लेफ्ट पैर को छोड़ें और फिर अपने हाथों को छोड़ें। आराम से बैठें, अपनी कमर सीधी रखते हुए और हाथों को घुटनों पर रखें। अपना राइट हाथ नाभि पर रखें, सांस लेने और छोड़ने को महसूस करने के लिए। दोनों नाक से गहरी सांस ले, दोनों नाक से तेज सांस छोड़े जिसे आपका पेट अंदर चला जाए। सांस छोड़ते वक्त आपको पेट पर कुछ दबाव महसूस होगा। सांस छोड़ते वक्त एक हिसिंग साउंड आएगी। इंपॉर्टेंट है कि तेजी से सांस लेने का प्रोसेस आपके पेट से हो और ना कि चेस्ट से।
गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरा करने के बाद आंखें बंद करें और शांति का अनुभव करें। किसी भी आरामदायक ध्यान आसन में बैठे, प्रेफरेबली पद्मासन। जो लोग ध्यान आसन में नहीं बैठ सकते, वो एक दीवार के साथ बैठ सकते हैं, जहां पर पैर सीधे रखे या फिर एक सीधी कुर्सी में बैठ सकते हैं। सर और स्पाइन को सीधा रखें। आपके हाथ नसग्र मुद्र स्थिति में होने चाहिए। आपके हाथ नो स्टिप पोजिशन में होने चाहिए। राइट हाथ की फिंगर्स को चेहरे के सामने रखें। इंडेक्स को, मिडिल फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में रखें। दोनों फिंगर्स रिलैक्स्ड रखें। थंब राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर होना चाहिए और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और लेफ्ट नाक से सांस अंदर लें। उसी समय गिनती करें मन से, एक, दो, तीन, या जब तक सांस आराम से अंदर लेते हैं। ज्यादा स्ट्रेन न करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल को थंब से बंद करें। राइट नाक के ऊपर के दबाव को छोड़ दें और साथ ही लेफ्ट नाक से सांस छोड़ते हुए गिनती करें, एक, दो, तीन। सांस लेने और छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, अपने स्पाइन को सीधा रखें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे से अपने ईयरलिड्स को अपने इंडेक्स फिंगर से बंद करें। गहरी सांस लेते हुए अंदर से सांस को बाहर छोड़ते हुए एक भ्रमर की तरह तेज आवाज में हमिंग करें। सांस छोड़ने के बाद गहरी सांस लें और यही प्रक्रिया दोहराएं।
Come back to the starting position. अपनी बैक सीधी रखें, लेकिन इस पोजीशन में रिलैक्स्ड फील करें। अपने हाथ ध्यानाची मुद्र में नाभि के पास रखें। आंखें और मुंह बंद कर लें और नॉर्मली ब्रीथ करते रहें। सांस लें और सांस छोड़ते समय ओम बोलें। जब आप तीन बार ओम बोले, अपने हाथ जोड़कर तीन बार शांति बोले। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। अब अपने पाम्स को एक दूसरे से रब करें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। गर्माहट को फील करें। आंखें खोलें और रिलैक्स करें। आत्म नमस्ते। होप दिस हेल्प्ड यू अचीव योर पीस ऑफ माइंड। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।